तो नमस्कार, कक्षा 12 में डे 190 में अपने और अपना चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हमने डिटेल से कर ली, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स किए थे वो सबसे महत्वपूर्ण है। तीव्रता के साथ प्रकाश विद्युत धारा क्या संबंध होता है, विभवांतर के साथ क्या संबंध होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज में उनमें कुछ परिभाषाएं आई थी वो महत्वपूर्ण है सारी बातें। अब उसी में आगे चलते हैं, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन ने दी थी इसलिए ये भी लिख देते हैं, आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण का सत्यापन कीजिए, प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए, प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, किसके लिए, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए ये बात है इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, लिख लेना आप इस बात को। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी कई चीजें आएंगी जिनसे अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है अलग अलग तरीके से। बात करते हैं पहले तो आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है उस पर, फिर उससे इक्वेशन जो है समीकरण कौन सी दी थी उसका सत्यापन करेंगे, फिर उसके रिजल्ट निष्कर्ष से बात करेंगे क्या है। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, सबसे पहले उससे पहले प्लांक की थ्योरी का यूज किया था आइंस्टाइन ने, प्लांक की थ्योरी, मैक्स प्लांक। प्लांक ने क्या थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी सबसे फेमस है प्लांक की, उसी पर बेस्ड है सब चीजें। तो प्लांक ने थ्योरी दी कि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह है, वो किसके रूप में जाती है, वो एनर्जी पैकेट के रूप में जाती है। ये 11th में 12th में दोनों जगह बात आ जाती है, किसके रूप में, एनर्जी पैकेट के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। प्रत्येक ऊर्जा के पैकेट को, बंडल को फोटोन कहते हैं और उसके लिए एक वर्ड दिया क्वांटा, क्या कहते हैं, क्वांटा, क्वांटा कह दो या कह दो फोटोन, दोनों का मतलब एक ही है, क्वांटा से ही क्वांटम पढ़ा है बाद में। तो यहाँ एनर्जी जो है वो किसके रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में ट्रांसफर होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्रत्येक बंडल की जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू प्लांक E=hν होती है, E यहाँ एनर्जी है, H यहाँ प्लांक कॉन्स्टेंट है, न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आवृत्ति है, तरंग की आवृत्ति है। तो किसी भी तरंग की ऊर्जा जो है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, पहले भी हम बात कर चुके हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बीच। तो E बराबर क्या है यहाँ, एच न्यू, तीनों बातें पता है, E का मतलब एनर्जी, H का मतलब प्लांक कॉन्स्टेंट, ठीक है, 6.625×10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, आवृत्ति है। अब आइंस्टाइन ने क्या, अब इस बात का यूज किसने किया, आइंस्टाइन ने, किसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो एनर्जी आती है वो इसी फॉर्म में आती है, जब वो किसी धातु की सतह पर गिरती है तो हम बात कर चुके हैं कि वहां में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं और सतह से बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया, ये जो एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन जो इस एनर्जी को दो भागों में प्राप्त करता है, दो भागों में यूज करता है इस एनर्जी को, एक भाग तो उसको बाहर निकलने में काम आता है, जो हमने इस चैप्टर की सबसे पहली डेफिनेशन की थी, पृष्ठीय अवरोध, सरफेस बैरियर, क्योंकि पहले वो बाहर निकलेगा तब आगे मूव करेगा, तब आगे गति करेगा, इसलिए पहले बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो वर्क फंक्शन, कार्यफलन कहते हैं उस ऊर्जा को, और उस अवरोध को, सतह के अवरोध को कहते हैं पृष्ठीय अवरोध। इन बातों को हम डिटेल से कर चुके हैं, शुरू की क्लासेस अगर आप देख लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार तो किस में काम आया, कार्यफलन में, ठीक है, समझ लेंगे। तो इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट 2.5 मिनट का ही काम है ये, लेकिन अपना ये प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे ये लिया गया है, कैसे यूज किया गया है। और एनर्जी यही है E=hν। आइंस्टाइन ने बताया कि ये एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में काम आती है। एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एज ए वर्क फंक्शन यूज करते हैं, कार्यफलन के रूप में यूज करते हैं, और जो पृष्ठीय अवरोध को क्रॉस करने का काम करते हैं, उसके बाद में बाकी जो एनर्जी बचती है वो उसको काइनेटिक एनर्जी देती है, उससे वो मूव करता है, गति करता है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कम डिस्टेंस तक जाएगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तक। ये हमने उसकी प्रायोगिक व्याख्या में बात कर ली थी, पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स पे और वो ज़्यादा से ज़्यादा गति करते हैं, पहुँच जाते हैं, प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि होती है।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी दो भागों में डिवाइड हो गई, किस किस भाग में, यहां से डिवाइड होगी दो भाग में, एक भाग को आ गया वर्क फंक्शन, ये तो क्या है वर्क फंक्शन, हम बाद में इसको डिटेल से लिख लेंगे थोड़ा समझने के लिए कर रहे हैं ये सब, और उसके बाद दूसरा भाग किस में जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी इन दो भागों में डिवाइड हो गई, तो इसी से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो बेसिक बात यही है, इसके बाद कुछ नहीं है, दो स्टेप और इसके बाद बस E is equal to H नहीं है, तो अब यहाँ से समीकरण क्या बनी, यहाँ से समीकरण बनी E is equal to 5 plus 1 by 2 mv square, E की वैल्यू क्या है H nu, then H nu is equal to 5 plus 1 by 2 mv square। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे, If फ्रीक्वेंसी इज अ थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आवर्ती क्या है दहली आवर्ती के बराबर है, और दहली आवर्ती क्या होती है वह न्यूनतम आवृत्ति जिस जो इलेक्ट्रॉन को सतह को क्रॉस करने में पृष्ठीय अवरोध काम कर, पार करने में काम आती है, उस न्यूनतम को क्या कहते हैं दहली आवृत्ति कहते हैं। तो उतनी आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन केवल क्रॉस ही करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी कितनी है, उसके पास एनर्जी इतनी ही है कि वो यहाँ से यहाँ तक ही आ सकते हैं, इसी के बराबर है फाई के बराबर, वर्क फंक्शन के ही बराबर है, कहाँ से उसकी आवर्ती से, क्योंकि आवर्ती पर ही डिपेंड करता है इसका मान। तो दहली आवर्ती है तो दहली आवर्ती को न्यू को क्या लिख देंगे, न्यू नोट लिख देंगे, ये न्यूनतम है, और इससे कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस ही नहीं करेगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं जस्ट इसके बराबर है, तो वो केवल उस बैरियर को क्रॉस करके बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं, आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करते ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई खत्म, इतनी थी उसके पास, इतनी हो गई पूरी, वो सारी इसको क्रॉस करने में काम आ गई, अब नहीं है, तो ये क्या होगा, ये लड़ जाए टिक के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, गति ऊर्जा उसकी जीरो, तभी तो गति नहीं कर रहा, अगर होती तो गति करता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है उसकी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इस इक्वेशन में क्या चेंज किया हमने, इस इक्वेशन में चेंज किया न्यू तो किसके इक्वल हो गया, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस कंडीशन में इन दिस केस वी कैन से के इज इक्वल टू जीरो और 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी को ये तो लिखते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर जीरो, देन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन न्यू की जगह तो क्या पुट करना है, इसकी जगह क्या पुट करना है जीरो, तो क्या आया एच न्यू नॉट बाय दिस इक्वेशन एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 5। ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल के लिए, मैंने कहा था न्यूमेरिकल के लिए, ये भी पूछ लें इस फोरम में पूछ लें, अब एक नई इक्वेशन बना देंगे। अब फाई का मान क्या आ गया एच न्यू नॉट, न्यू और न्यू नॉट में अंतर पता है ना, समझ जाएगा, न्यू और न्यू नॉट, न्यू का मतलब आवर्ती कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यू नॉट का मतलब क्या है न्यूनतम आवर्ती, उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस मिनिमम आवर्ती को हमने मान लिया, और वही तो होता है कार्यफलन होती है ऊर्जा होती है जितनी चाहिए उसको बाहर निकलने के लिए, वो कार्यफलन होती है, क्लियर, आगे ना समझ में। तो ये फॉर्मूला इसी के बराबर है, देखो E is equal to H nu के बराबर है ये फॉर्मूला, यहाँ भी तो वही लिखा है, लेकिन यहाँ न्यू नोट लगा दिया, तो इसके आगे इसको न्यू नोट लगाते इसको लिख दिया फाई, तो फाई कोई अलग नहीं है, फाई भी E कह सकते हैं हम, बिकॉज ये भी एनर्जी तो है, ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा बराबर H nu तो होता है, लेकिन न्यू की जगह क्या लगा दिया न्यू नोट लगा दिया, तो दहली आवर्ती की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे दें तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो कार्यफलन निकलेगा, आगे समझे, तो आवर्ती अगर दहली आवर्ती देते हैं तो जो ऊर्जा आएगी वो उस ऊर्जा को क्या कहेंगे कार्यफलन कहेंगे, कार्यफलन का फॉर्मूला पूछ लें, दहली आवर्ती देखें और उसकी कार्यफलन पूछ लें, ऊर्जा सीधा कहते ऊर्जा, तो वो कार्यफलन ही उसकी ऊर्जा होगी इस समय। अब आपको तरंग धैर्य देकर, इस तरह से भी क्वेश्चन है बुक्स में कि तरंग धैर्य देकर क्या पूछ लें, तरंग धैर्य देकर पूछ लें कार्यफलन, तरंग धैर्य देकर पूछ लें ऊर्जा, अभी हम उसकी बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लें, बेसिक बातें तो ये हो गई है। बाकी न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर सारी देखो छोटी छोटी बातें अलग आ गई, इन
इनको हम अभी पूरा होने के बाद में ये टॉपिक फिर अपने लास्ट में लिखेंगे इसको अलग से सारे फॉर्मूला को। इसमें देखो प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार क्या होता है, E is equal to Hv, समीकरण नंबर एक। अब आइंस्टाइन के अनुसार क्या होगा, यह ऊर्जा दो भागों में विभाजित होती है, पहला भाग किसमें काम आता है, पहला भाग ऊर्जा का एक भाग पृष्ठीय अवरोध को पार करने में काम आता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धातु का कार्य फलन कहते हैं। वैसे ये बातें लिखी हुई है, यहाँ लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी शॉर्ट में हम बता सकते हैं अगर आपको डेराइव करना आ रहा है तीन नंबर में दो नंबर में। तो दूसरी बात इसके अंदर दूसरी बात बताते हैं, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के रूप में प्राप्त होती है। अतः दो भाग हो गए, अतः एच न्यू इज इक्वल टू आ गया क्या, 5 + 1/2 mv². ये भी इक्वेशन, अगर इनमें रिलेशन की बात करें तो ये भी रिलेशन है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इस फॉरम में दिया गया, अगर आपको आवृत्ति दे रखी है, कार्यफलन दे रखा है, तो आपको गतिज ऊर्जा बतानी है, तो इसको के लिख सकते हैं ना, के गतिज ऊर्जा, तो के का मान आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, यदि न्यूनतम वाली, ज्यादा तो आवृत्ति कितनी भी हो सकती है, ज्यादा आवृत्ति कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम आवृत्ति तो फिक्स है, वो परिवर्तित नहीं होती, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, इस बात का यूज करेंगे हम अगले टॉपिक में, कांस्टेंट है ये, न्यू नॉट, इसमें चेंज नहीं हो सकता, फिक्स है ना, C=2.14 सबके लिए निश्चित है, तो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि आवृत्ति क्या हो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो, तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा तो उसी पे क्रॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तब 1/2 mv² इज इक्वल टू 0। तो समीकरण एक से इसका मान आ जाएगा, समीकरण एक से न्यू नॉट, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या गया, 5। इसको मैं देखने बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण समीकरण है, ये न्यूमेरिकल में यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कार्यफल का सूत्र लिखे, तो कार्यफल बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट क्या है, दे दिया बढ़ती है ऊपर लिखा हुआ। अब समीकरण एक में ये मान रखो, समीकरण एक से क्या आएगा, यहाँ रखेंगे एच न्यू ऐसा कैसा, फाइव की जगह क्या रखिए, आ गया ना फाइव का मान, फाइव का मान किसकी जगह रख दो, फाइव की जगह रख दो, तो क्या देगा एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², यहाँ तक भी हम इसको कर सकते हैं, ये आइंस्टाइन की समीकरण है, लेकिन इसको थोड़ा सा बदला जा सकता है, जिस रूप में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो कैसे निकालें, एच न्यू नोट को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आया एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू 1/2 mv², क्योंकि आपने, क्योंकि एच कॉमन आ रहा था दोनों में से, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, इधर लिख देता हूँ, 1/2 एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv². ये जो समीकरण है बेसिकली इसको कहते हैं आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण, समीकरण 3 आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। क्लियर? अब देखो इसके अंदर एक दो बातें और, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है,
पहले तो निष्कर्ष पे बात करेंगे, फिर इसके फॉर्मूले में बता रहा था किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है देखो, अगर आवृत्ति का मान, ये तो ढेली आवृत्ति है, ये आवृत्ति है, यानी ये तो निश्चित मान है, ये कितना भी प्रकाश आपतित हो सकता है, हम दोनों बात करते हैं इसका मान ज़्यादा हो कम होते क्या। अगर न्यू का मान ग्रेटर देन न्यू नोट हो, न्यू का मान ज़्यादा हो, इसका मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी चाहिए न्यूनतम, उस न्यूनतम से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, तो क्या होगा ज़्यादा में से कम कटाएंगे ना, प्लस में आएगा उत्तर, तो गतिज ऊर्जा धनात्मक आएगी, धनात्मक आएगी तो इसका मतलब ये प्रक्रिया संभव है, ऐसा सामान्य बात हो सकता है। लेकिन अगर न्यू का मान न्यू नोट से कम हो, यानी जितना न्यू नोट तो क्या है न्यूनतम आवृत्ति जितनी चाहिए, उससे भी अगर कम आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो क्या होगा, तो उसकी ऊर्जा कम रह जाएगी, वो यहाँ से बाहर ही नहीं आ सकेगा। इसके अंदर हम एक डायग्राम यूज कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या फाई है, इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इसके बाद इसको क्या मिलेगी, ये डायग्राम ये पूरी समीकरण बता देता है। तो यहां से क्या बात कर रहे हैं हम, अगर इसकी आवृत्ति डेली आवृत्ति से कम है तो इसकी इसके पास इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि ये बाहर निकल सके, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये तो हमें थ्योरेटिकली पता चल गया, इक्वेशन से कैसे पता चला, इसका मान कम है तो ये ज्यादा हो गया ना, ये वाला मान ज्यादा हो गया तो ब्रैकेट में उत्तर किस में आएगा, माइनस में, माइनस की संख्या बड़ी हो गई ना तो उत्तर किस में आया, माइनस में, और उत्तर किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा की, और गतिज ऊर्जा कभी भी माइनस में नहीं होती है, गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी यदि आवृत्ति का मान देगी आवृत्ति से कम हो, इसका मतलब ये घटना नहीं हो सकती, यानी उस स्थिति में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। अगर यू कह दे प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किस स्थिति में नहीं होगा, तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होना संभव नहीं है या असंभव है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि न्यू का मान लेस देन है फ्रॉम न्यू नोड, तब क्या होगा, तब 1/2 mv² का जो मान है वो आएगा नेगेटिव, ठीक है, ये v का मतलब कोई वोल्टेज नहीं है, माइनस में आएगा ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव ऋणात्मक है इसका मतलब ना, जो कि संभव नहीं है, तो जो संभव नहीं है, इसका मतलब क्या संभव नहीं है कि ये घटना संभव नहीं है, अगर ऐसा होगा तो फिर गतिज ऊर्जा होगी नहीं, होगी नहीं मतलब ये घटना ही नहीं होगी, इसका मतलब तो क्या होगा, यदि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें आप दो तीन बातें लिख सकते हैं, नोट डाल कर, एक बात तो ये ध्यान रखें, अगर डायरेक्ट ऊर्जा से संबंधित कुछ पूछा गया है तो ये बराबर एच नहीं लगाना है, क्लियर, आवर्ती दे रखे तो। दूसरी बात, न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है c/λ, आवर्ती तरंग दे रखे विद कर्मानुपाती होती है, तो तरंग दे रखे रूप में दे दिया क्वेश्चन, तो e बराबर क्या आ जाएगा, एच, और इसी तरह सी रख देंगे c/λ, तो एच c/λ दूसरी समीकरण, ठीक है, एच का मान 6.625 × 10⁻³⁴ ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, सी का मान भी नहीं दिया जाएगा कभी भी, ये भी ध्यान रखना है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। और इसके अलावा हमने कार्यफलन की बात कर ली, तो कार्यफलन कुछ अलग से नहीं है, कार्यफलन ऊर्जा ही है भी, आप ये बात ध्यान रखें, लेकिन बस क्या है वो न्यूनतम ऊर्जा है, तो इसके लिए पार करने के लिए चाहिए वो ऊर्जा है, तो इसको पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नोट, न्यू नोट क्या है, यहाँ न्यू नोट है दहली आवृत्ति, ये बात हम कर चुके हैं पूरी इसी पूरी क्लास के अंदर, ये बात चल रही है। और दूसरी बात, अगर
निरोधी तरंग दे रहे लिख देते हैं कभी कभार क्वेश्चन में, तो निरोधी तरंग दे रहे क्या होगा, निरोधी आवर्ती से जो तरंग दे रहे होगा वही निरोधी तरंग दे रहे होगा, अलग नहीं होगा कुछ भी। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, सी तो कांस्टेंट है, लैम्डा की जगह क्या लिख दो, लैम्डा नॉट, याद है सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है और क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल जो आता है वो इधर से आता है, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है इसलिए इनमें से न्यूमेरिकल पूछने की संभावना कम होती है। इक्वेशन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से दिख रहा हूँ इधर समीकरण तीन से, ये भी आप इसी में लिख लें नोट में ही, एच न्यू की जगह क्या आएगा सी अपॉन लैम्डा माइनस इसकी जगह क्या आएगा सी अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर। डायरेक्ट गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है तो यहाँ के लिख सकते हो, सी कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच सी कॉमन आ गया, यहाँ आ गया वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू के लिख दो, या लिख दो वन बाई टू एम वी स्क्वायर। ये प्रकार शुद्ध समीकरण और ये न्यूमेरिकल से संबंधित बातें सिंपल से आते हैं, आवर्ती दे दी ऊर्जा पूछ लिया, तरंग दे रही दे दी तो ऊर्जा पूछ लिया, ऊर्जा दे दी तो लैम्डा पूछ लिया। तो लेकिन ध्यान रखना ऊर्जा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाएगी, रखनी नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, रखनी जूल में ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलते हैं तो 1.6×10^-19 कूलम से गुणा कर देते हैं उसको, तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जूल में कन्वर्ट करके ही मान इसको रखने हैं। तो इसको आप देख लें अच्छी तरह से, लिख लें पढ़ लें और समझ लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसमें बात करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे।